वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर एक स्पीड गियर की टॉप शाफ्ट क्रिएट की है। इसमें देखिए सारे मल्टीपल कट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। स्विफ्ट कट, हमने स्विफ्ट कट फीचर की मदद से यहाँ पे सारे मल्टीपल कट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे थ्रेड भी हमने क्रिएट किए, थ्रेड फीचर की मदद से हमने थ्रेड यहाँ पर अप्लाई किए है। और यहाँ पे होल विजार्ड में हमने होल भी यहाँ पे अप्लाई किए है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सॉलिड वर्क्स के बेसिक फीचर टूल्स यूज़ करके इस शाफ्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच, और यहाँ पर एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ पे देखिए एक मिड पॉइंट लाइन, इसे टिक कर देना है। और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पे लाइन स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। और इस तरह से देखिए ये लाइन सेंटर में ही हमने क्रिएट कर दी है। अब इसकी लेंथ हम अप्लाई कर देते हैं। चलिए लेंथ इसकी हम बाद में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से एक स्केच क्रिएट कर देना है यहाँ पे। देखिए इस तरह से हमने एक स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इसकी लेंथ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 25 mm। यहाँ पे सारे जो भी यहाँ पे यूनिट हमने mm में अप्लाई किए है, इसके सारे डायमेंशन mm साइज में हम अप्लाई करेंगे। इसकी लेंथ है 100 mm। फिर यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 28 mm। फिर यहाँ पर 3 mm। फिर यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 38 mm। अब यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देना है। इसकी लेंथ रहेगी 35 mm एंड लास्ट 25 mm। तो इस तरह से देखिए इसकी सारी लेंथ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। फिर से यहाँ पर ट्वेंटी एट एम एम यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसे मिला देना है इस तरह से। अब हम इसके डायमीटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो सेंटर लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसके ऊपर की साइड में रखेंगे तो इसका हाफ आएगा, और इसके नीचे जाएंगे तो ये फुल राउंड आएगा। तो हम फुल राउंड ही अप्लाई करते हैं। इसका डायमीटर रहेगा 22 mm। फिर इसका फुल डायमीटर 34 mm एंड देन नेक्स्ट 35 mm। दिस वन 45 mm। फिर यहाँ पे देखिए जो ये कॉलर वाली साइज है, इसका डायमीटर 58 mm। फोर्टी फाइव
40 mm एंड द लास्ट इज 25 mm। और इस देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हमने कर दिया है, इसके सारे डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे फीचर में जाएंगे और यहाँ पर हम रिवॉल्व बॉस पेज अप्लाई करेंगे और यस करना है। यहाँ पे देखिए इसके एक्सिस लाइन यहाँ पर डिटेक्ट हो गई है और इसका एंगल रहेगा 360 डिग्री और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से ये शाफ्ट हमने क्रिएट कर दिए। अब इस पर हमें कुछ चैम्फर यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पे चैम्फर को सिलेक्ट करेंगे। चैम्फर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 1 mm। इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर इस वाली एज को सिलेक्ट करना है, फिर से यहाँ पर इस फेस को, इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। फिर से चैम्फर में जाएंगे और यहाँ पर 0.5 mm यहाँ पर अप्लाई करनी है। इस फेस, इस एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए इस कॉलर के इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है हमें यहाँ से लाइंस ड्रॉ करेंगे पॉइंट से यहाँ पर। फिर आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे लाइन को ड्रॉ करना है, फिर गो बैक जाना है। यहाँ पर बैक में आएंगे तो जैसे ही बैक आएंगे फिर वापस ड्रॉ करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्क में और फिर यहाँ पर ओके कर देना है। अब हम यहाँ पर इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे, तो इसकी लेंथ रहेगी 70 mm और इस आर्क की रेडियस रहेगी 28 mm। इसकी लेंथ 20 mm, स्लाइड को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है। फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट कर देना है। इस तरह से देखिए हमारा फुल्ली डिफाइंड स्केच हमने ड्रॉ कर दिया है, फिर इसे ओके कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, अब हम यहाँ पर एक प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने प्रोफाइल ड्रॉ कर दिया। इन दोनों को इस तरह से स्केच, दोनों लाइन को सिलेक्ट कर देना है और इक्वल कर देना है। एक और यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर इस लाइन से इस लाइन की हाइट रहेगी 2.5 mm और यहाँ पर इसका एंगल रहेगा 22 डिग्री। फिर यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 7 mm अब यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है, जो सेंट्रल लाइन हमने ड्रॉ की थी उसे सिलेक्ट करना है
और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टेंजेंट कर देना है, इसका रिलेशन टेंजेंट कर देना है। अब फिर यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कोलिनियर कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है, जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी वो फुल्ली डिफाइन हो गई है। इसकी हाइट हम 3 mm अप्लाई करेंगे और इसे एग्जिट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फीचर में जाना है और यहां पर स्विफ्ट कट का जो फीचर है इसे एक्टिवेट करना है। फिर यहां पर हम इसकी प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोफाइल हमारी ये है और यहां पर इसका पाथ सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर कट अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर हम इसकी मल्टीपल कट्स अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाना है सर्कुलर पैटर्न में। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पर इसका फीचर, हमने जो यहाँ पर स्विफ्ट कट अप्लाई किया था उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका डायमीटर ये वाला सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसके नंबर ऑफ पैटर्न 10 और ओके करना है। अब फिर से हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, फिर से गो बैक जाएंगे, फिर ऑटोमेटिक कन्वर्ट इनटू आर्क। आप जैसे ही बैक जाएंगे यहां पर आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 55 mm और इसकी रेडियस रहेगी 22 mm। ये वन साइड रेडियस 22 और यहाँ पर इसकी लेंथ हम अप्लाई करेंगे 15 mm। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कोलिनियर कर देना है। फिर से इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोलिनियर और ओके करना है। देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। इसे एग्जिट कर देते हैं। फिर से हम स्पेस को सिलेक्ट करेंगे स्केच और यहाँ पर फिर से एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है हमें। दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है, इक्वल कर देना है का एंगल रहेगा 30 डिग्री। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर सेंटर लाइन, यहां से इसकी हाइट रहेगी 2 mm और यहां से इसकी लेंथ रहेगी 2.5 mm, इसकी हाइट रहेगी 2.5 mm। यहाँ से इसकी टोटल लेंथ 2.5 mm हमें अप्लाई करनी है। इसका डिस्टेंस 5 mm, अब हमें सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ की थी हमने, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट रिलेशन कर देना है। फिर से इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट रिलेशन कर देना है। और एग्जिट कर देना है। फिर से आपको क्या करना है, फीचर में जाना है और यहाँ पर स्विफ्ट कट अप्लाई करना है। फिर से हम प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेकंड यहाँ पर इसका पाथ सिलेक्ट करेंगे और ओके करना है।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी ये स्विफ्ट कट अप्लाई कर दिया है हमने। अब यहाँ पर भी मल्टीपल हमने कट अप्लाई करने हैं, तो फिर से हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, यहाँ पर फीचर में ये कट अप्लाई सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस वाले सर्कुलर पैटर्न डायमीटर को सिलेक्ट करना है। बट यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पैटर्न 12 चाहिए, तो यहाँ पर 12 अप्लाई कर देंगे और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर सारे मल्टीपल कट्स अप्लाई कर दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिवॉल्व कट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, एक सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। रेफरेंस हमें रेफरेंस कट के लिए यहाँ पर इसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे, इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसका एंगल यहाँ पर अप्लाई करेंगे 60 डिग्री, लेंथ रहेगी 3 mm इसकी लेंथ रहेगी और यहाँ पर इसकी बॉटम वाली लेंथ रहेगी 2 mm। इसका डायमीटर यहाँ से इसका डिस्टेंस रहेगा 2 mm। ओके, चलिए हमारा ये फुली डिफाइन स्केच हो गया है। अब यहाँ पर सेकंड वाली प्रोफाइल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे हमने एक स्केच ड्रॉ कर दिया है, इसका डिस्टेंस इसकी विड्थ रहेगी 1 mm। इसकी रेडियस 0.5 और यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर कोइंसिडेंट रिलेशन कर देना है, यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। आप यहाँ पर इसकी साइज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली नॉर्मली 1 mm यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसके साथ कोलिनियर कर देना है। देखिए इस फुली डिफाइन स्केच ये भी हो गया है। अब एक और प्रोफाइल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है हमें। इसका डायमेंशन 2 mm, फिर यहाँ पर देखिए इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसकी साइज रहेगी 21 mm। फिर यहाँ पर इस लाइन से इसका डिस्टेंस 22 mm और यहाँ पर इसकी हाइट अप्लाई कर देते हैं 3 mm। नेक्स्ट यहाँ पर एक और प्रोफाइल ड्रॉ करनी है,
यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आर्क में क्रिएट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है, और फिर यहाँ पर इसके साथ मिला देना है। अब इसकी इसकी विड्थ रहेगी 0.5 mm, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोइंसिडेंट कर देना है। यहाँ से इसकी हाइट दे देते हैं 1 mm। यहाँ पर ये सब ये सारे कट जो है हम एक साथ ही अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम एक साथ ही ये सारे प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं। 3 mm विड्थ, यहाँ से इसकी हाइट रहेगी 1.5 mm। बॉटम वाली विड्थ रहेगी 2 mm और इसकी टोटल हाइट रहेगी 3 mm। एंड बाय डिफॉल्ट ये 3 mm ही है, तो हम इसे इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आगे वाले इस वाले फेस पर हम इसे अप्लाई करने वाले हैं। अब एक और हम यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसकी विड्थ रहेगी 2.5 mm, इस लाइन से इसका डिस्टेंस रहेगा 3.5 mm। फिर यहाँ से बॉटम वाली साइज, इसका डिस्टेंस रहेगा 19 mm। टोटल हाइट यहाँ पर 6 mm अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये सारे यहाँ पर प्रोफाइल हमने ड्रॉ कर दिए। अब सिंपली आपको फीचर में जाना है और यहाँ पर रिवॉल्व कट अप्लाई करना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से ये सारे कट्स यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ये देखिए यहाँ पर लॉक लगेगा, इधर भी यहाँ पर भी लॉक लगने वाला है। ये सारे लॉक के स्लॉट हमने यहाँ पर कट्स अप्लाई किए हैं। अब हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, यहाँ पर एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इक्वल कर देना है। इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 3 mm। यहाँ पर इसकी टोटल हाइट रहेगी 3 mm, सॉरी 2 mm, यहाँ पर इसकी टोटल हाइट रहेगी। बॉटम डिस्टेंस 1.5 mm। फिर यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। वन मोर सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। फिर इस लाइन से यहाँ पर इसका डिस्टेंस रहेगा 1.3 mm, हम यहाँ पर इसका डिस्टेंस रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्रोफाइल ड्रॉ कर दिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखिए इस वाले
इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट रिलेशन कर देना है, फिर लाइन को सिलेक्ट करना है और ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। तो देखिए हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन यहाँ पर हो गया है। अब हमें फीचर में जाना है और यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अप टू सरफेस, तो हमें अप टू सरफेस में ये सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब यहाँ पर भी हमें मल्टीपल कट्स अप्लाई करने हैं, तो सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद हम यहाँ पर इस वाले कट को सिलेक्ट करेंगे। रेफरेंस के लिए ये वाला डायमीटर, सर्कुलर डायमीटर हमें ये सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ पैटर्न हमें यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 नंबर ऑफ पैटर्न, ये 30 यहाँ पर कट्स अप्लाई करने हैं और ओके करना है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में जाना है और आपको थ्रेड वाला फीचर एक्टिवेट करना है। यहाँ पर देखिए इसका लोकेशन, तो हमें लोकेशन कौन सा चाहिए, तो हमें लोकेशन ये वाला सिलेक्ट करना है, इस पर हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं। फेस, तो फेस हम इस वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अप टू सिलेक्शन, तो हम अप टू सिलेक्शन यहाँ पर इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है हमें, या इस वाली एज को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सारे थ्रेड शो हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ही यहाँ तक ही आटे यहाँ पर थ्रेड क्रिएट करने हैं। तो फिर से हम यहाँ पर इसकी डाई सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है मैट्रिक डाई, क्योंकि यहाँ पर आउटर थ्रेड है इसलिए यहाँ पर डाई सिलेक्ट होगी। फिर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है 22x1.5 थ्रेड। फिर एक और हमें यहाँ पर क्या करना है, एक और चीज़ यहाँ पर करनी है, कम अप आपको ड्रॉप डाउन यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखिए ऑफसेट इसे एक्टिव क्लिक करना है, यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। फिर यहाँ पर 2 mm इसका ऑफसेट 2 mm रहेगा, बट यहाँ पर देखिए अंदर की साइड में है तो हमें आउट की साइड बाहर की साइड में करना है, तो यहाँ पर रिवर्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब सारे फीचर्स हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए, फिर सिंपली ओके कर देना है। एडिट, ओके। देखिए यहां पर थ्रेड हमने क्रिएट कर दिए है। अब नेक्स्ट वाला फीचर रहेगा हमारा होल विजार्ड का, तो हम सिंपली यहाँ पर होल विजार्ड में जाएंगे। होल विजार्ड में देखिए हमें सिंपल होल यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अनसिमेट्रिक ड्रिल साइज, फिर यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 5 mm, 5 mm का हल 5 mm का होल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ब्लाइंड कंडीशन, यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 130 mm। पोजिशन, तो इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली सेट कर देना है होल और ओके कर देना है। यहाँ पर देखिए सेक्शन व्यू में हम देखेंगे हमारा होल, हमने जो होल अप्लाई किया है वो देखिए यहाँ पर इस लेंथ में हमें होल
सेट करना है। तो देखिए 130 mm डीप में ये होल हमने क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना है, टॉप लाइन सेलेक्ट करना है, स्केच, फिर यहाँ पर दो होल क्रिएट करने हैं हमें, यहाँ पर देखिए हमने दो होल ड्रॉ कर दिए, दोनों होल को सिलेक्ट करना है और इक्वल कर देना है। इसकी साइज रहेगी 3 mm। और यहां पर इसका डिस्टेंस रहेगा 20 mm और यहां से इसका डिस्टेंस रहेगा 20 mm। सिंपली इन दोनों को होल को सिलेक्ट करना है और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल कर देना है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे हम। अब यहां पर हम ब्लाइंड कंडीशन रखेंगे, चलिए अप टू नेक्स्ट कर देते हैं और यहां पर रिवर्स साइड में यहाँ वन साइड अप साइड में यहाँ पर अप्लाई कर देना है और सिर्फ ओके कर देना। चैम्फर, चैम्फर में हम यहाँ पर 1 mm अप्लाई करेंगे, इस होल की एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस होल की एज को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये शाफ्ट ड्रॉ कर दिए। अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर हम इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे, मेटल। मेटल में जाने के बाद यहाँ पर स्टील, स्टील स्टील को ओपन करना है। यहाँ पर यहाँ पर हम पॉली स्टील अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर बेयरिंग साइज है तो इसे सिलेक्ट कर देते हैं, इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर क्रोम पॉलिश, यहाँ पर देखिए ये वाले क्रोमियम प्लेट को सिलेक्ट कर देना है।